कस्बे स्थित सागर की पहाड़ी में शुक्रवार देर शाम एक बार फिर एक पैंथर विचरण करता दिखाई दिया। विचरण करते हुए पैंथर की वहां मौजूद युवकों ने वीडियो बनाते हुए लुत्फ उठाया। युवकों की भीड़ देखकर पैंथर सागर में मौजूद माइंस श्रमिक के दफ्तर में आ बैठा। सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। वन विभाग टीम की वनपाल सुशीला यादव ने बताया कि पैंथर का यह बच्चा बीमार लग रहा है, जिसे रेस्क्यू कर इसका उपचार किया जाएगा। इसके रेस्क्यू के लिए टीम को सरिस्का से बुलाया गया है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व यहां इसी पहाड़ी क्षेत्र में एक मादा पैंथर मृत पाया गया था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इसी पहाड़ी क्षेत्र में पैंथर व अन्य जीव जंतु भी मौजूद हैं। जंगल में विचरण कर रहे हैं पैंथर को सरिस्का से आई रेस्क्यू टीम ने बिना ट्रैंकुलाइजर किए पकड़ा और उपचार के लिए सरिस्का ले गए। डॉक्टर दीनदयाल मीणा ने बताया कि पैंथर बीमार है, जिसका अलवर सरिस्का में उपचार के बाद वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। यदि वन क्षेत्र सरिस्का में पैंथर ठीक नहीं हुआ तो उसे जयपुर भी रेफर किया जा सकता है। एक ये सूचना मिली थी शाम को, आज लेंस साहब सीताराम जी की तरफ से सूचना मिली थी हमको कि लेपर्ड का बच्चा है मुंडावर में, जो कि बीमार स्थिति में वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है। तो टीम सरिस्का से हमारे रवाना हुई और आपके हमने इसको बिना ट्रंकलाइज के हमारे जो स्टाफ है, टीम मेंबर्स हैं, सभी स्टाफ है, सबने सहयोग किया और जाल से हमने उसको बीमार अवस्था में उसको ले लिया है और हमारे कब्जे में पिंजरे में। इसका फर्दर ट्रीटमेंट जो हम सरिस्का जाके अलवर जाके वहां करेंगे। सर आज कोई दिक्कत आई तो जयपुर भेज देंगे।